ये उतरा कबूतर। दोस्तों फाइनली कबूतर आके बैठ चुका है, देखिए हैंड टेम है एक तरीके से, हैंड टेम डॉग का बच्चा मिला हमें, सही है ये। इस वाली पेटी को हम कैसे रखेंगे और इधर की पेटी को हम क्या करने वाले वो दोस्तों आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। दोस्तों ये चेक करिए आप, सामने के फ्लैट के ऊपर में कबूतर आके बैठा है, जो कि दोस्तों ललचीना कबूतर दिख रहा है मुझे। ये फ्लैट के ऊपर में कबूतर चल रहा है और सीधा सीधा इधर में आ रहा है। अब दोस्तों आपको कबूतर क्लियर दिख रहा होगा और अभी अपने कबूतर खुले, अब देखते हैं दोस्तों कबूतर वहाँ से नीचे उतरता है या उड़ के कहीं और जाता है। और अभी मैं कबूतर को दाना पानी दिखाता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छी बात दोस्तों ये है कि अपने कबूतर उड़ रहे। मैं इसको दाना पानी दिखाता हूँ, फिर आप भाई को बताता हूँ क्या हुआ, कबूतर पकड़ में आया या नहीं आया। और दोस्तों बैकग्राउंड की आवाज को थोड़ा इग्नोर करना। ये बैठा है कबूतर इस जगह पे, अलग ही दोस्तों कबूतर दिख रहा है वो। ये उतरा कबूतर, दोस्तों फाइनली कबूतर आके बैठ चुका है नीचे 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 नीचे। ये पेटी के पीछे गया कबूतर और ये दोस्तों उतर चुका है कबूतर नीचे। एक बार कबूतर मैं आपको छूट गया, वो देखिए दोस्तों वो बैठा है लड़की का कबूतर। ये रोटी है, कबूतर की पूछ हाथ में आ गई मगर कबूतर हाथ से निकल गया। और पता नहीं दोस्तों कबूतर दोबारा से आता है या नहीं आता है। कबूतर की पूछ हाथ में आ गई मेरे और कबूतर निकल गया हाथ से। कबूतर बैठे ऊपर में जाके, अलग ही दोस्तों लड़की ना कबूतर है वो, कबूतर दोबारा से तो आएगा नहीं मेरे साथ से। दोस्तों वो जा रहा है कबूतर देखिए, और ज्यादा कबूतर उड़ नहीं सकता है। दोस्तों ये देखिए आप, ये है भूरी खतम मादी और इसको दोस्तों लाल खैरा लगाए। ये माजी दोस्तों मैं अपने सब्सक्राइबर को दे रहा हूँ, इससे पहले भी दोस्तों ने कबूतर लेके गए अपने पास से और ये माजी दोस्तों इनको होना था तो ये माजी मैं इनको दे रहा हूँ। भाई पर देखो इसकी, ये देखिए दोस्तों इसके यहाँ से ऐसी कुछ पर है, अलग डिजाइन बनी है इसके परों पे।
और यह है कबूतरी की आँख, देखिए अनारी आँख में, और इसके जैसा कलर है ना इधर का वैसे इसका चोंच का भी कलर है। ये मादी कबूतरी है और पंजे भी जैसा सेम इसके वैसे है जैसे इसका ये कलर है बॉडी का, बहुत मस्त मादी है। भाई इसको नर कौन सा लगेंगे? धुमा कबूतर, देखना पर खुले इसके, लो पर बांध लो इसके, आएगा बांधना तो बांध दूँ। दोस्तों जो ललचीना कबूतर यहाँ पे आके बैठा था वो कबूतर सीधा ये एरिया में चले गया, तो दोबारा कबूतर आया नहीं। दोस्तों कबूतर ज़्यादा हो गए अपने पास में, इसलिए मुझे कबूतर कम करना पड़ रहा है। कबूतर रखने के लिए जगह रही होती तो दोस्तों हम अपने पास के कबूतर कम भी नहीं करे होते। घर पे जाके पर काटने ना इसके, तो बच्चे बनाने के लिए रखना, और बच्चे बनेंगे तो बताना उस टाइम पे। और किसी दिन दोस्तों मैं आपको इनके आए कबूतर का शौक कराऊंगा। उमर कबूतर दोस्तों इनके पास में, कितने बजे खुलती है अपनी पेटी? हाँ भाई एक कबूतर दोस्तों मैंने हटाई दिया अपने घर पे, इसलिए दोस्तों जो अपने सब्सक्राइबर है और दोस्तों अपने घर पे आके कबूतर लेके जा रहे हैं। और दोस्तों आप भाई को मैंने इंस्टाग्राम पे बताया भी हूँ, जिन जिन की दोस्तों मैं पोस्ट डाल रहा हूँ तो वो कबूतर मुझे कम करना है। जैसे दोस्तों मैंने पेटी खोला वैसे मुझे किंग कबूतर का बच्चा मरा हुआ दिखा। ये एक बच्चा है किंग कबूतर का जो कि ठीक है, और ये और एक बच्चा है किंग कबूतर का जो कि दोस्तों नर के था मना था, मतलब उसके बाप के था, तो ये बच्चा एक्सपायर हो गया। और ये बच्चा दोस्तों बच्चा है। दोस्तों मैंने आप भाई को बोला था कि ब्रीडिंग प्रोग्रेस की वीडियो में आपको सारे कबूतर के बच्चे दिखाऊंगा, मगर अब दोस्तों ऐसा हो नहीं पाएगा, ये कबूतर का बच्चा एक्सपायर हो गया, अब दोस्तों हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले एक कबूतर आया था जो कि ये साइड में चले गया, और आज दोस्तों ये पेटी को हम ये साइड में रख देंगे। आपको दोस्तों सारा कुछ शेयर करने वाला हूँ, तो आप दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। इस वाली पेटी को हम कैसे रखेंगे और इधर की पेटी को हम क्या करने वाले वो दोस्तों आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। और बाकी दोस्तों कबूतर बहुत ज्यादा पेटी में नहीं कर रहे तो इनको मैं दाना पानी देता हूँ और जल्दी से इनको बंद भी कर लेता हूँ। ये तो भौरी है, उड़ नहीं रही। कल से दाना पानी कुछ भी नहीं खाई इसे? हाँ नहीं खाई ना। खाई क्या? हाँ दाना पानी रखा था इसके लिए। लगता है इससे उड़ना नहीं हो रहा, बस चल तक रही है उड़ नहीं सक रही। ये ठीक है, बस इसके जो बाजू नहीं है के पैर वगैरह इससे उड़ना नहीं हो पा रहा इससे। क्या करना है इसको, लेके जाओ यहाँ पर रहेगी तो बिल्ली बिल्ली खा जाएगी। कब से पड़ी थी यहाँ पे? कल रात से। ये डॉग का बच्चा है, शायद से दोस्तों बच्चा ही है मेरे हिसाब से। एक तरीके से इसको दोस्तों मैं रेस्क्यू करा, ये दोस्तों एक बिल्डिंग के ऊपर में गिरा था कल रात से, और अभी दोस्तों रात का टाइम हो रहा है। ये दोस्तों डॉग का बच्चा है, शायद से बच्चा है, अब दोस्तों कन्फर्म बता नहीं सकता मैं। अब जब दोस्तों पूरा अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगा तब दोस्तों मैं इसको आदर्श कर दूंगा, ऐसी कुछ इसकी कंडीशन है। सही है दोस्तों, ये दाना पानी तो खा रहा है मेरे हिसाब से। ये जो फिन चिड़िया है उनके साथ तो मैं इसको रखूंगा नहीं, इसको दोस्तों मैं अलग रखता हूँ। हाथी नीचे नहीं कर रहा, देखिए हैंड टेम है एक तरीके से, हैंड टेम डॉग का बच्चा मिला हमें। सही है ये, तो इसको जैसे लेके चलते हैं ऊपर में, इसको दाना पानी देते हैं। समझ भी ना पा रहा जैसे इसको क्या हुआ, ये उड़ क्यों नहीं पा रहा है। जैसे रेस्क्यू डॉग है जिसको जैसे मैंने चावल दिया हूँ और बाजरा दिया, और यहाँ पे दोस्तों राला भी है। अब पता नहीं दोस्तों आज कबूतर की बेटी की जगह बदलना होता है या नहीं होता है, क्योंकि अभी तक दोस्तों तनिर भाई घर पे नहीं आए। अभी दोस्तों मैं डॉग को रेस्क्यू कराऊ, अब पता नहीं दोस्तों ठीक रह पाता है या नहीं रह पाता है। अब आगे दोस्तों आपको इसकी अपडेट देखने को मिलेगी कि रेस्क्यू डॉग कैसा है। अब देखना दोस्तों मुझे ये है कि डॉग दोस्तों हमारे घर पे सर्वाइव कर पाता है या नहीं कर पाता है।